फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बेसन और सूजी के लड्डू। ये लड्डू बहुत ही टेस्टी और इजी है। जब भी कोई मेहमान आने वाले हो या मीठा खाने की क्रेविंग हो, आप इसे बना सकते हैं। ये शुगर फ्री लड्डू है, खाने में हेल्दी है और बनाने में इंस्टेंट है। इसमें मैंने जागरी का यूज़ किया है और जागरी यूज़ करने के बावजूद ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं, बनाने में बहुत ही आसान है और सॉफ्ट लड्डू बनते हैं। ये माउथ मेल्टिंग है, जैसे मुंह में डाले मक्खन की तरह पिघल जाते हैं। देखिए, मैंने तोड़ के भी दिखाया है आपको, तो रेसिपी को देखने के लिए बने रहे वीडियो के एंड तक। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, मैं वैशाली और स्वागत है आपको कुक विद वैशाली में। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले हम पैन को गर्म करेंगे। हेवी बॉटम की कढ़ाई होनी चाहिए। डाल देंगे उसमें 1/3 कप घी। अब जिस कप से मैंने घी लिया है, मैं उसी कप से बेसन भी लेने वाली हूँ, यानी कि 1/3 कप। ये मेजरिंग कप में तीसरे नंबर का कप होता है, तो उसी कप से मैंने बेसन भी लिया है बेसन। और उसी कप से मैं ले रही हूँ 0 नंबर की सूजी, जो कि बारीक रवा भी बोलते हैं उसको, सेमोलिना भी कहा जाता है। दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेना है घी में। और यहाँ पे गैस को आपको लो फ्लेम पे ही रखना है, बिल्कुल हाई फ्लेम ना करें। और लगातार चलाते हुए बेसन और सूजी को इसमें भूनना है घी में। बेसन आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, मार्केट वाला भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर घर पे पिसा हुआ भी आप बेसन यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। दोनों का ही टेस्ट बहुत अच्छा आता है इन लड्डुओं के साथ। लगातार चलाते रहना है क्योंकि कलर भी चेंज नहीं होना चाहिए, लेकिन बेसन और सूजी का कच्चापन भी निकलना चाहिए, इसीलिए लगातार चलाते रहना है। और सेंटर में ही ना चलाए, कॉर्नर्स को भी अच्छे से चलाते रहें, ताकि कॉर्नर पे बेसन हमारा रेड कलर ना हो जाए, क्योंकि कलर इसका बरकरार रखना है। देखिए, अब ये बेसन फूल रहा है और बहुत ही अच्छे से बेसन इसमें पक रहा है। ये बनाने में बहुत ही इंस्टेंट लड्डू है फ्रेंड्स, और खाने में तो बहुत ही टेस्टी है। चलिए, घी भी छोड़ दिया है सूजी ने और बेसन ने। डाल देंगे उसमें फुल फैट मिल्क 1/2 कप। बड़े कप में मैंने मिल्क लिया है 1/2 कप। मैंने यहाँ पे बफेलो मिल्क यूज़ किया है क्योंकि वो बहुत ही फैटी रहता है मिल्क, तो टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अच्छे से मिक्स कर लेना है और मिल्क में इसको पकाना है, जब तक कि मिल्क रिड्यूस ना हो और मिल्क में मिल्क का रूपांतर खोया में ना हो जाए, तब तक पकाना है। अब इसमें डाल देंगे जागरी, यानी कि गुड़। हम शुगर का यूज़ नहीं कर रहे, लेकिन आप कर सकते हैं अगर आपको जागरी पसंद नहीं हो तो। जागरी भी मैंने 1/3 कप ही डाला है, जिस कप से मैंने बेसन और सूजी ली थी। अच्छे से मिक्स करना है जब तक कि जागरी अच्छे से मेल्ट ना हो जाए। अब डाल देंगे केसर का दूध। मैंने कुछ केसर के धागे भिगो के रखे थे दूध में, मैं उसका दूध यहाँ पे डाल रही हूँ। इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है और कलर भी लड्डू में बहुत अच्छा आता है। गुड़ को अच्छी तरह से पिघल लेना है, पूरी तरह से वो पिघल जाए और उसकी चाशनी ना बन जाए, तब तक इस मिश्रण को कंटिन्यूसली चलाते रहना है, पकाना है, ताकि इसमें से दूध और जागरी का जो गीलापन है पूरा निकलना चाहिए। जब तक ये मिश्रण सूखता नहीं, तब तक हमें इसको कंटिन्यूसली चलाते रहना है और पकाना है। जिन लोगों को चीनी खाने से परहेज रहता है या फिर जो डाइट कॉन्शियस लोग हैं, वो ये लड्डू बना सकते हैं, क्योंकि गुड़ वाले लड्डू बहुत ही अच्छे बनते हैं। चलिए, मिश्रण हमारा अब लगभग ड्राई हो चुका है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसको निकालेंगे ग्रीस की हुई प्लेट में। प्लेट को मैंने प्योर घी से ग्रीस करके रखा था। इसमें मैं मिश्रण को डाल दूंगी और इसको ठंडा करूंगी, लगभग 15 मिनट तक इसको ठंडा करना है। 15 मिनट के बाद ही हम इसके लड्डू बना सकते हैं। अब ये बहुत ज़्यादा गर्म है, इसलिए हम इसको ठंडा करेंगे। अब ये ठंडा हो चुका है, तो चलिए इसके बनाते हैं लड्डू। और ये आसानी से बन जाते हैं लड्डू, ये इंस्टेंट लड्डू हैं। जब भी कोई मेहमान आने वाले हों तो उनका स्वागत हम इन लड्डुओं से कर सकते हैं। घर में अगर कोई डायबिटिक पेशेंट हो तो उसको भी ये खाने में चल जाते हैं।
क्योंकि ये हेल्दी भी है और टेस्टी भी है, और इसमें ना हमने कोई शुगर यूज़ किया, हमने इसमें जैगरी यूज़ किया है, तो ये बहुत ही माउथ मेल्टिंग बनते हैं लड्डू। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना बढ़िया दिख रहा है, देखते ही मुंह में पानी आ जाता है, ऐसे लड्डू बनते हैं। चलिए लड्डुओं के ऊपर आप जो चाहे सजा सकते हैं, मैं यहाँ पर बादाम सजा रही हूँ, आप यहाँ पर काजू लगा सकते हैं, यहाँ पर ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं इन लड्डुओं में। तो ये देखिए इस तरीके से हमने सारे लड्डू बनाने हैं और हमारे सारे लड्डू रेडी हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कितने बढ़िया कलर दिख रहा है, और देखते ही पता चलता है कि ये माउथ मेल्टिंग लड्डू बनके रेडी हो चुके हैं। और मेरी बहुत सारी रेसिपीज़ है मेरे चैनल पे लड्डूओं की, उनके लिंक्स भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। अगली बार फिर से मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ। टिल देन बाय।